Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. और अगर आप प्लान करना चाहते हैं केनिया टूर का तो दिस इज़ द वीडियो, यहीं पर हैं आप, इस पे ही मिलेगी आपको सारी डिटेल, क्योंकि मेरे 5 दिन के टूर का मैं सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि आप कैसे टूर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं बजट टूर. अगर आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ बजट ट्रैवलर के लिए, चाहे वो सोलो ट्रैवलर हो या साथ में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. सारी डिटेल मिल जाएगी आपको इस वीडियो में, इंक्लूडिंग मसाई मारा, नकुरु लेक, नैवाशा लेक, नैरोबी सिटी टूर. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग. तो शुरू करते हैं शुरुआत से. सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का हो गया है इमिग्रेशन और बैग चेक इन वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो कैरी किए थे, उसका मैं बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है पूरे ट्रिप में, तो जो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है. अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो डेफिनेटली यू कैन मिस योर फ्लाइट एंड रूइन योर हॉलीडेज. हेलो 42A. जस्ट लैंडेड इन केनिया नैरोबी और इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6. फ्लाइट इज ऑन टाइम, बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी एमिरेट्स, सो नो डाउट अबाउट सर्विस एंड टाइमिंग इशू. और बाहर का तापमान इस प्रकार है, ऑलमोस्ट 15 से 16 डिग्री. तो अपडेट ये है यहाँ पर कि अभी हमारा टूर शुरू हो गया है सीधे एयरपोर्ट से. और मिस्टर शकरक, थैंक यू वेरी मच फॉर पिकिंग मी अप ऑन टाइम. एक्चुअली ही केम बिफोर टाइम, 1 आवर ही वॉज वेटिंग फॉर मी. सो और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे एक कॉमन पॉइंट पे, जहाँ से दूसरी पब्लिक को उठा के वो जो जीप है हमको ले जाएगी मसाई मारा तक. तो जो होगा 6 to 7 hours का ड्राइव. So if you're looking for a data or SIM card, then this is the network which I have took, like Telkom 4G. 2 minutes mein sari cheezein start ho gayi hai, ye bande ne kafi help ki. Log ruke hain yahan par ek view point pe. Actually ye view point hai mere piche, wo bahut hi khoobsurat lag raha hai yahan se upar. आ रही है जंगलों वाली फीलिंग आ रही है. अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जंगल में एंटर करने वाले हैं. Sambo, how are you? So how much the last price for this? No, last price in this 100. Okay, khalas. बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था ये फर्स्ट डे का. एक्चुअली हाफ डे तो ट्रैवलिंग में चला गया, और हाँ बाकी का हाफ डे गेम ड्राइव्स पे आए थे हम लोग, और ड्राइवर काफ़ी एक्सपीरियंस था और उसको सारी जगह पता था कि कहाँ पर जिराफ मिलेंगे, कहाँ पर लायन मिलेंगे. और आते साथ ही जो लायन के साथ में पहला इनकाउंटर था, बहुत ही क्लोजली देखने को मिला, हंटिंग देखने को नहीं मिली लेकिन प्रेडर्स को देखने के लिए काफ़ी नज़दीक से मिला. दैट इज़ समथिंग रियली अमेजिंग. और ये पीछे प्लेन की क्या स्टोरी है मुझे पता नहीं है, बट इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग कि यहाँ पर इतने जंगल में क्यों खड़ा है, मैं पूछूंगा अभी उसको. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग. खास बात यहाँ की ये है कि वेदर बहुत अच्छा है, जून से अक्टूबर नवंबर तक पीक सीज़न होता है, तो वेदर बहुत ही अच्छा है, प्लेजेंट है, अराउंड 20 degrees centigrade टेम्परेचर होगा, और काफ़ी सारे एनिमल्स आपको मिल जाते हैं, और ऐसे फील आता है कि जैसे कि आप जू में हैं और इन लोग बाहर घूम रहे हैं. So I am staying in Linchada camp and this is the entrance. और यहाँ पर है सारे camp और यहाँ पर होता है temporary tent जिसमें एक से दो लोग रहते हैं. ये है tent.
और इस टेंट में कोई भी लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट नहीं होता है, जनरेटर पे पावर चलता है पूरे कैंप में। अंदर जाके मैं आपको रूम दिखाऊंगा, बट इट फील्स लाइक आप एक जंगल में रुके हैं, क्योंकि इतना टूरिज्म नहीं चल रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ कोविड एंड रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम दी अदर कंट्रीज एंड ऑल। और जो मुझे कैंप दिया गया है, जो मुझे टेंट दिया गया है, उसका नाम है ओलंपस। ओलंपस एंड दिस इज द वे यू have to open and enter. This is the lock. Room काफी messy पड़ा है मेरा, लेकिन ये है bed दो लोगों के लिए, लेकिन मैं फिलहाल इसके अंदर अकेला रह रहा हूँ। ये है bed, ये है मच्छरदानी जिसकी रात में पड़ेगी ज़रूरत, और यहाँ पे होता है वॉशरूम, वो भी आपको zip से ओपन करना है। This is wash basin, shower and WC. So that's it, this is the room. मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ या वो मेरी तरफ देख रहा है। Trina. 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 T-R-I-N-A. Yeah. Trina. Trina is from Kenya, and you are from Nairobi. Yeah. Okay. What do you do, Kina? Here. Trina, I go to university. Okay. I'm a university student. So, how many times you visit here in Masai Mara? I've only visited once. This is my second time. This is your second time. Mm-hmm. Okay. So, how you feel that? How's the experience? It's amazing because I've seen all the animals. Yeah, actually, we were in the same group from yesterday, and we are fortunate enough to see all the wild animals, though we have not saw the hunting, live hunting. So she's my Kenyan teacher, who is teaching me Swahili language. So Pani means water, means Maji, and Hubari Yako means how are you? Fine means something. Zuri. And lion means Simba. Yeah. See, I learned quickly. Under beast, buffalo, elephant, or crocodile. सबके स्कल रखे हुए यहाँ पर। क्या लग रहा है तुमको? ऐसे ही लोग टूर करा रहे हैं भैया। बहुत इन्फॉर्मेटिव टूर है, देखो उनके लिए दादी पोस्ट है। तो सिर्फ दिखाने के होते हैं क्योंकि वो खाते नहीं हैं कुछ नॉन वेज। Very strong man. ये देखिए एंटलॉप्स के हर्ड्स। See, they are coming. These sweet animals are coming. They look so cute. मैं हूँ यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पे, और अभी मैं हूँ फिलहाल केन्या में, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तंजानिया, जिसके लिए मुझे कोई वीज़ा और कोई फ़्लाइट और कोई बस या कोई रोड सर्विस की ज़रूरत नहीं है, और मैं सिर्फ वॉक करके जाऊँगा तंजानिया। कैसे ये है स्टोन जो मार्क करता है केन्या और तंजानिया की बॉर्डर को, दिस साइड इज़ लाइक केन्या एंड दी अदर साइड इज़ लाइक तंजानिया। सो नाउ आफ्टर वॉकिंग 4 स्टेप आई एम इन तंजानिया। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये कुछ एरिया है यहाँ पर नो मैंस लैंड का, और उसके बाद में जो बड़ा पार्क शुरू होता है वो है तंजानिया का सेरेंगेटी पार्क। दिस इज द मोस्ट फेमस लेक ऑफ मसाई मारा, वेयर द मेन माइग्रेशन टाइम द माइग्रेशन हैपेंस। जो भी तंजानिया से जो जानवर आते हैं, जैसे ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट वगैरह, यही क्रॉस करके आते हैं। इसके बीच में आप पीछे देख सकते हैं हिपोस, और इसमें हैं बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी। तो अभी थोड़ा अंदर जाके देखते हैं और समझते हैं गाइड से कि क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली।
पीछे देख रहे हो ये हिप्पो भाई, ये इनकी अलग अलग फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है। ये है एक फैमिली और वो है दूसरी फैमिली, और अगर एक फैमिली के ऊपर कब्जा करना होगा तो उस फैमिली के स्ट्रॉन्ग मेल को दूसरी फैमिली के मेल के साथ में लड़ाई करनी होगी, जो और जो जीतेगा वो दूसरी फैमिली पे कब्जा कर सकता है। ये सब चीज़ें होती है, पता थी आपको? नहीं थी ना, बता दिया अब मैंने भैया, ये सारी चीज़ें गाइड से पता चल रही हैं मुझे अभी। सो दिस इज द फ्रेंड विच आई मेट इन केन्या, नैरोबी, मसाई मारा। व्हाट्स योर गुड नेम गाइस? जेम्स। जेम्स एंड जेम। सो दे बोथ केम फ्रॉम केन्या ओनली। सो यू स्टे इन मुंबासा और नैरोबी ओनली? स्टे इन नैरोबी। नैरोबी, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप और यू मस्ट बी हियर लाइक often? This is the second time. Second time. Yeah. So how are you liking that? Very nice. Actually, you should be asking me. I should be asking you how you love the place. Oh, I totally love, because like in Dubai, seeing like all the man-made buildings and all beautiful things, but it's like all man-made. But here it's like pure nature. Nothing is man-made. Yeah. So that's even really food. You're doing the food. Yeah, so it's really amazing. The weather is nice, and even people to whom I met, all are nice, very cooperative, very helpful, so and very safe. Yes. So that's you know, first time I'm traveling Africa, so I was having little Which bit. What was your perception before you traveled? Though I have a Kenyan friend in Dubai, but I was a little bit hesitant to be honest, but because I don't know anyone here. Even the tour operator is also like new, first time I book, but everything is going so smooth at this point of time, and seeing like nature and all wild animals, you know, it's like amazing experience. Cool, man. We see in Kenya, karibu tena. Karibu? Tena. Tena, okay. Yes. Welcome again. Thank you. It's like a family picnic, huh? So this is the lunch. For lunch we have this, some fruits and some donuts or some burger, I don't know what is that. Banana. Orange. Mandazi, it's called mandazi. Mandazi. It's like sweet or how it is? They are made from the wheat flour. Wheat flour. Yes. Deep fried. Okay. And then deep fried, okay. Yeah. So they can put some sugars. Here are the African elephants. तो पता ये चला कि दिस फ्लाइट इज़ डायरेक्टली फ्लाइंग फ्रॉम नैरोबी टू मसाई मारा ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट विल कॉस्ट यू ओनली $300 रिटर्न फ्लाइट। चीता इज कमिंग ऑन द वे ऑन द राइट एंड लेफ्ट एंड साइड में दोनों जगह हर्ट्स हैं और वो काफी टेंशन में लग रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। और एट लास्ट एक चीते को एक हिरन आखिरकार मिल ही गया और हमको दूर से देखने का मौका। I'm Dennis. I'm from Kenya. And actually we came from Masai Mara. Yes. We had a 2 days nice trip. We enjoyed a lot. Yeah. And now it's time to say goodbye. Yeah. So all the best guys.
And you keep traveling, man, and you should come to Kenya, man. Actually, Africa is known for almost some or other bad things, but it's like totally wrong. You didn't experience any of that. So far, nothing, man. Even I'm going for the tribe also. Local Maasai tribe, it was very good. So, guys, you should stop stereotyping. Yeah. We just come and see how we live here. We are just normal humans, like everyone else. Nice to see you, man. Take care. See you in Dubai. Okay, see you, man. Actually, he's from the, he's working in Dubai also. So hopefully, and he will be coming next month, right? Yeah, next month or the first week of next month. First week of next month. So inshallah, I'll see you. Yeah, I'll see you there. All the best. Okay, take care. Take care. Thank you, guys. Thank you. Bye. Yeah, man. Jumbo, Ken. Jumbo. और अब आपके फायदे की बात. अगर आपने इस टूर ऑपरेटर से बुक किया आपका केनिया का ट्रिप तो आपको मिलेगा कम से कम 5% का डिस्काउंट, क्योंकि भाई के साथ में सेटिंग हो गई है उनकी. उसके लिए आपको करना क्या है कि करना आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब है, और जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरे चैनल का जो नाम है इरफान शेख दुबई, उसका रेफरेंस देना है. आप थैंक यू बाद में मुझे मैसेज में भी कह सकते हैं, वरना नहीं भी, आपकी मर्जी. रही बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है. क्योंकि अगर आप इसकी वेबसाइट देखें तो बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं है इसके, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने प्रेफर नहीं किया है या ट्रैवल नहीं किया है. तो मुझे इससे कंपैरेटिव रेट कोई भी टूर ऑपरेटर से नहीं मिले थे, और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था इसके लिए मैंने रिस्क लिया था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर केल्विन और उसकी टीम ने बहुत हेल्प की, इंक्लूसिव ऑफ कोविड की जो रिक्वायरमेंट थी आने के टाइम के लिए. एंड दे हैव बीन आस्किंग मी एवरी डे कि हाउ इज एवरीथिंग, फाइन और नो. तो तुम्हारे भाई को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला, इसके लिए मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी. Hey guys, so thank you very much for watching this video, and दूसरे भी वीडियो जो उसकी सीरीज आएगी मेरे केनिया ट्रिप की, तो आप उसको जरूर देखें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि what all you can do when you are visiting Kenya. So see you in another video. Take care. Bye bye. Masalam.